Okay, Bismillahir Rahmanir Rahim. We are one more step towards our DC machines. आज हमने दो बहुत ही बेसिक जो इसकी बेसिक इक्वेशंस हैं उनको डिस्कस करना है. आप लोगों ने फैराडेज लॉ सुना होगा. लेव दिस फॉर लेक्चर. फैराडेज लॉ क्या कहते हैं? EMF is equals to d phi by dt, and here we have n number of terms or negative sign bhi likhta hai. Maine last time aapke samne ek question raise kiya tha, wo main side pe likh raha hu ki what is the difference between EMF and back EMF. theek hai, ये मैंने क्वेश्चन लास्ट टाइम आपको बताया था. इस पर भी बाद में बात करेंगे. ये तो क्वेश्चन का पहले जवाब आप लोग मुझे देंगे ना, उसके बाद मैं देखूंगा कि क्या आप लोगों ने सोचा. दिस इज अ फैराडेज लॉ, बहुत मशहूर है. क्या रिक्वायरमेंट है? यू मस्ट हैव अ फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, एंड दैट फ्लक्स मस्ट बी वेरिंग, वो चेंज भी होना चाहिए, और उसके बाद वो फ्लक्स कट करेगा किसको? सम नंबर ऑफ कंडक्टर्स को. जब वो कट करेगा तो देयर विल बी एन ईएमएफ इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज. ठीक है, कोई लोड लगाएंगे तो देन देयर विल बी अ करंट. तो वो जब करंट प्रोड्यूस होता है तो उसके लिए फिर एक आपके पास इक्वेशन है, वो है इंडक्टर इक्वेशन. वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी. ठीक है, अगर करंट प्रोड्यूस होगा एंड दैट करंट इज वेरिंग, आपके पास इंडक्टेंस होगी तो अगेन देयर विल बी वोल्टेज. इज दैट ओके? अच्छा, ये है एक ईएमएफ इक्वेशन. आप लोगों ने डीसी मोटर की सिंपल कंस्ट्रक्शन देखी थी तो उसमें क्या था? एक आपके पास था नॉर्थ पोल और दूसरा आपके पास क्या था? साउथ पोल. और यहां पे दिस इज अ लूप ऑफ अ कंडक्टर सच दैट अगर मैं इसको एक डीसी सप्लाई से कनेक्ट करूं तो यहां पर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी. तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल आपके पास दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर करंट. तो फोर्स कहां पर लगेगी? दैट विल बी इन साइड द बोर्ड. और यहां पर क्या होगा? आउटसाइड द बोर्ड एज डायरेक्शन ऑफ करंट इज डाउनवर्ड. ठीक है, अगर मैंने इसको वोल्टेज प्रोवाइड नहीं किए और इस कंडक्टर को खुद से रोटेट करवाया तो क्या करेगा? देयर विल बी फ्लक्स, यू आर वेयरिंग फ्लक्स फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम व्हेन दिस कंडक्टर इज इन फ्रंट ऑफ नॉर्थ पोल एंड गोज बैक टू जीरो, और उसके बाद साउथ पे जाएगा तो देयर विल बी फ्लक्स इन नेगेटिव डायरेक्शन. ठीक है, तो आपके पास यहां पर वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ईएमएफ. अब ये जो फैराडेज लॉ की इक्वेशन है हमने ट्रांसफॉर्म करनी है इन द फॉर्म ऑफ मोटर. ठीक है, अब अगर आप लोग देखें तो सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड है? डी बाय डी टी, देयर मस्ट बी सम चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. वो लेंथ ऑफ कंडक्टर में भी हो सकता है जो फ्लक्स के सामने से गुजरेगी, और फ्लक्स में भी हो सकता है. Is that okay? और आपके पास कौन सी दो क्वांटिटीज हैं? एक है n नंबर ऑफ टर्न्स और दूसरी क्या है? phi. Is that okay? So this will produce what? EMF. Is that okay? ठीक है. Now it means that n number of conductors are present इन द फॉर्म ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर. यहां पे कितनी लेंथ है? एक आपके पास ये लेंथ है और एक आपके पास क्या है? ये लेंथ है. ठीक है, दो लेंथ है ना, और ये दोनों लेंथ एक नॉर्थ पोल के सामने से गुजर रही है और एक साउथ पोल के सामने से गुजर रही है. और अगर आप गौर से देखें तो दीज आर रोटेटिंग. ये पूरा लूप है, ये रोटेट कर रहा है. ठीक है, सो इट मीन्स दैट मैं ये जो डी फाइव बाय ये जो पूरा फैक्टर है इसको मुझे किस चीज में प्रेजेंट करना चाहिए? एक रोटेटिंग वेलोसिटी में. ठीक है,
तो मेरे पास सम कंडक्टर्स दैट आर चेंजिंग, मीन कंडक्टर एक लेंथ है, एक लेंथ डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ये आपके पास क्या चीज होती है, वेलोसिटी, और अगर वो वेलोसिटी एंगुलर हो, एंगुलर वेलोसिटी, सो इट मींस दैट ये पूरे का पूरा फैक्टर आपके पास किस चीज में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है, और ये डायरेक्टली ये डी बाई डी टी ऑफ एन लिखती है, सो देयर विल बी सम मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स, कुछ ना कुछ फैक्टर्स तो आएंगे बीच में, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करते हैं. लेट्स से के इज अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर और ये एक कॉन्स्टेंट है. अभी तक आप लोगों ने इस चीज पूरी चीज में देखा कि कौन सी दो चीजें हैं जो वेरिंग है, एक आपके पास टाइम वेरिंग है और दूसरा आपके पास क्या है, फ्लक्स वेरिंग. पहले टाइम जो वेरिंग था वो फ्लक्स के साथ था, मैंने उसकी बजाय जो वेरिंग टाइम है वो किसके साथ कर दिया, लेंथ ऑफ कंडक्टर के साथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर के साथ कर दिया, और मैंने डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम कर दिया, तो उसकी चीज क्या है, वेलोसिटी. जब वेलोसिटी आई, वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी में अगर कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, उसमें रोटेशनल इफेक्ट ले आते हैं, ठीक है. यार आप लोगों ने वो फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, s इक्वल्स टू वी टी वेलोसिटी इनटू टाइम, और इसी का एंगुलर में क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स आर, दिस इज अ रेडियस, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज यूनिट्स, तो सेम होंगे, ये आपके पास मीटर्स में होगा, ये आपके पास किस में होगा, रेडियंस पर सेकेंड में, ठीक है, और ये आपके पास किसमें आ जाएगा, रेडियंस में, इज दैट ओके, ये मैंने सही लिखे, ओमेगा टी होगा भाई, द टाइम विल रिमेन देयर, दिस इज इन रेडियंस पर सेकेंड, दिस विल बी रेडियंस एंड दिस विल बी इन सेकेंड्स, इज दैट ओके, ओके, इसको मैंने ट्रांसफॉर्म कर लिया के ओमेगा. Now, जो आपके पास फ्लक्स है दैट विल बी कमिंग एज इट इज. अब आपने ये बात नोट करनी है, वन क्वांटिटी इज एसोसिएटेड विद द फील्ड, फ्लक्स कौन जनरेट करता है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इज दैट ओके. ओमेगा कौन सी चीज प्रोड्यूस होती है, ओमेगा कहां पे प्रोड्यूस होता है, इन योर आर्मेचर जो आपका रोटर है. It means that one quantity is associated with the field and that is flux, and one is associated with the rotor armature. ठीक है, तो मैं इसको और ज्यादा इजी कर सकता हूं जो मेरे एक्चुअल पैरामीटर्स पे अप्लाई होगा, एंड दैट विल बी के इंटू आई एफ इंटू ओमेगा. And this is equals to your EMF. Is that okay? ये general equation है जिसमें K एक constant है. Your total EMF produced by the motor or as a generator, जब भी आप किसी भी DC shunt generator, for example, उसको rotate करते हैं, if you rotate at higher RPM, तो उसके जो वोल्टेज होते हैं टर्मिनल वोल्टेज वो ज्यादा होंगे. अगर आप उसका फील्ड करंट स्ट्रॉन्ग कर दें तो क्या होगा, उसके वोल्टेज ज्यादा होंगे. मैंने वाइवे में एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि एक टर्बाइन है, वो अपनी स्पीड से ज्यादा रोटेट कर रही है, जब वो ज्यादा उस स्पीड से रोटेट करेगी तो क्या होगा, ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे. मैं ये चाहता हूं कि वो वोल्टेज ज्यादा प्रोड्यूस ना हो, वो फिक्स रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू रिड्यूस दिस आईएफ. आई एफ काम करेंगे तो ई एम एफ कॉन्स्टेंट हो जाएगा. जब ई एम एफ कॉन्स्टेंट हो जाएगा, आप लोगों ने जनरेटर की इक्वेशन याद है, ई एम एफ से आप सब्ट्रैक्ट करें आई ए आर ए तो क्या बचता है पीछे, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, एंड दिस आई ए इज द लोड करंट. अच्छा, एक इक्वेशन ये हो गई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर ईएमएफ. ये अब आप लोगों ने याद रखना कि कोई भी आपके पास डीसी मोटर है या जनरेटर है, उसका ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है,
दो चीजों पे, एक तो फील्ड पे और रोटेशन पे। दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी आपके पास क्या है? टॉर्क। व्हाट डू यू मीन बाय टॉर्क? टर्निंग फोर्स। जो टॉर्क है आपके पास बेसिकली ये फोर्स है। फिर हम दोबारा एलिमेंट्री फिजिक्स में जाते हैं। एलिमेंट्री फिजिक्स में एफ आपके पास क्या होता है? एम ए। ए इज योर एक्सेलरेशन, एम इज मास, एंड दिस इज फोर्स। इसी को अगर मैंने टॉर्क में लिखना हो तो टॉर्क क्या होता है आपके पास? आर क्रॉस एफ, वो तो होता है ना फोर्स का टर्निंग इफेक्ट। लेकिन इस फॉर्म में लिखना हो तो क्या होगा? आई अल्फा। ग्रेट। आई आपके पास क्या है? इनर्शिया। और एक्सेलरेशन ये कौन सी है? एंगुलर एक्सेलरेशन। सो बेसिकली वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस है इसमें। सो टॉर्क इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ फोर्स, ऐसी फोर्स जो किसी चीज को रोटेट करवा दे। ठीक है, इस कंडक्टर पे फोर्स लग रही है जो इनसाइड द बोर्ड है, इस कंडक्टर पे फोर्स लग रही है जो आउटसाइड द बोर्ड है। दरमियान में अगर आपके पास कोई कॉमन पॉइंट या पिवट पॉइंट ना हो तो कंडक्टर आगे चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये रोटेट तो नहीं करेगा। ये जो दरमियान में एक आपके पास पिवट पॉइंट है, ये डिसाइड करेगा कि इट इज गोइंग टू रोटेट। ठीक है, सो इट मीन्स दैट आपके पास फोर्स जो यहां पे इस कंडक्टर पे लग रही है, इस कंडक्टर पे जो फोर्स लग रही है उसका रिलेशन आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। हाँ, क्या? एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। अच्छा, इसी की एक और फॉर्म है, वो भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, वो है Q V cross B। This is one and same thing। ठीक है, मैं आपके ये करंट को लिख सकता हूं D Q by DT और साथ में L cross B, तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसको लिख सकता हूं ऐसे। ओके, अब अगर मैं इसका D by DT लेदा कर दूं और Q अंदर ले जाऊं, L ये आपके पास क्या चीज है? लेंथ। तो सम लेंथ एलिमेंट चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। लेंथ मीटर्स में होता है, मीटर्स में लेंथ होती है ना, सम मीटर्स कवर्ड डिवाइड बाय सम टाइम। तो ये आपके पास किस में क्या बन जाती है? वेलोसिटी। तो डी बाय डी एल बाय डी टी क्या बन जाएगा? वेलोसिटी। क्यू आपके पास यहां पर आ जाएगा। तो दीज आर सेम थिंग, ये एक ही चीज है। ठीक है, हम आई एल बी को लेकर चलते हैं। अब यहां पे देखें, ये आई कौन सा आई है? नो 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 नो, फोर्स इज इक्वल टू आई एल बी। एल कौन सी लेंथ है? ये वाली लेंथ, इसके ऊपर फोर्स लग रही है ना। फोर्स कैसे लग रही है? दिस इज योर फोर्स इनसाइड द बोर्ड। यहां पे जो फोर्स है मैं इस लेंथ एलिमेंट, तो ये जो टोटल है ये आपके पास क्या है? लेंथ। ठीक है, एंड देयर इज इन मीटर्स और सेंटीमीटर्स वॉट एवर। ठीक है, करंट कौन सा है जो आर्मेचर से फ्लो कर रहा है? बी कौन सा है? मैग्नेटिक डेंसिटी। जो नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट कर रही है, इट मींस दैट इन दिस इक्वेशंस टू क्वांटिटीज आर अगेन वेरिंग। एक आपके पास बी, ये डिपेंड किस पे कर रहा है? एक आपके पास बी पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा आपके पास किस पे डिपेंड कर रहा है? आई पे। लेंथ तो किसी भी आर्मेचर की कंडक्टर की सेम ही रहेगी ना, मतलब रन टाइम पे एक मोटर डिजाइन हो गई उसमें कंडक्टर की लेंथ सेम रहेगी, वेरी तो नहीं कर रही, तो सेम रहेगी। ओके, इट मींस दैट दीज आर टू क्वांटिटीज विच आर
वेरिंग, बाकी रेस्ट ऑफ थिंग्स यू कैन कंसिडर इट एज अ कॉन्स्टेंट. इज दैट ओके? ओके. अब नॉर्मली हम बी नहीं प्रेजेंट करते, हम इसको प्रेजेंट करते हैं फ्लक्स से. ठीक है, तो बी को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? एरिया ऑफ द लूप से. तो आपके पास क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है, और इसकी एक आगे जाके जो फॉर्म आप लोगों ने एक और भी पहले पढ़ी थी, दैट वाज एन, ये पढ़ी थी एक फॉर्म किसी दौर में, टॉर्क है, ऐसी पढ़ी थी मैंने. क्या किया इस फोर्स को आर से, ये जो लेंथ है अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करवा दूं और टू से मल्टीप्लाई करवा दूं, तो आपके पास क्या बन जाएगा? दोनों साइड पे आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो फोर्स है ये टॉर्क बन जाएगी. आप इस इक्वेशन तक पहुंचे हुए हैं, मैं क्विकली स्किप कर रहा हूं क्योंकि यू नो दीज थिंग्स. ठीक है, अब यहां पे अगेन आप इस इक्वेशन को देखें, तो इस इक्वेशन को देखें, एन इज कॉन्स्टेंट, योर एरिया ऑफ द लूप इज कॉन्स्टेंट, द रेस्ट ऑफ इक्वेशंस अगेन हैविंग ओनली टू थिंग्स, दैट इज आई एंड बी, एंड हियर आई कैन पुट सम कॉन्स्टेंट के. ठीक है, जो के बच जाएगा. अब ये जो आपके पास B है, दिस इज फ्लक्स डेंसिटी एंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक पोल्स, जो आपके स्टेटर के पोल्स हैं वो जनरेट करेगी. तो इट मींस दैट आई कैन रिप्लेस दिस B बाय फ्लक्स. ठीक है, अब ये I कौन सा है? आर्मेचर का करंट. इज दैट ओके? नाउ दिस इज योर आर्मेचर करंट, आई कैन पुट अ स्मॉल A हियर. ये जो आपके पास फ्लक्स है ये कौन जनरेट कर रहा है? फील्ड कॉइल्स. तो फील्ड कॉइल्स को आपने किस फॉर्म में सप्लाई दी? एज अ फील्ड करंट. ठीक है, तो अब यहां पे जो आपके पास अल्टीमेटली इक्वेशन बच जाएगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू के इनटू आई ए इनटू आई एफ, एंड दैट इज इक्वल टू योर टॉर्क. इट मींस दैट आपकी कोई भी डीसी जो मोटर है वो ज्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे, इसके लिए दो चीजें रिक्वायर्ड है. वन, या तो आप उसका फील्ड स्ट्रांग कर दें, और दूसरा या आप उसका आर्मेचर का करंट बढ़ा दें. ठीक है, आर्मेचर का करंट आप खुद बढ़ा सकते हैं, वो तो लोड पर डिपेंड करता है. आपके पास एक मोटर है, इट इज ड्राइंग मोर करंट, व्हाट डज इट मीन? ये ज्यादा, इसके आगे आपने कोई बड़ा लोड लगा दिया, कोई बड़ा टायर लगा दिया, कोई ऐसी गाड़ी जो किसी चढ़ाई पे चढ़ रही है, इट इज डिमांडिंग मोर आर्मेचर करंट. तो जो मोर आर्मेचर करंट, ज्यादा आर्मेचर करंट होगा तो आपको ज्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट. ठीक है, अब जब ज्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट है तो इट मींस दैट यू हैव टू इंक्रीज योर आईएफ. अदरवाइज क्या होगा कि ये आई ए, अगर आप आई एफ नहीं बढ़ा रहे, आई ए एक लिमिट से एक्सीड करेगा और उसके बाद मोटर का वो कंडक्टर डैमेज हो जाएगा. ठीक है, टू स्टॉप द डैमेज यू हैव टू इंक्रीज योर फील्ड करंट. यहां तक बात सबको समझ आ गई है? ठीक है, तो बेसिकली अब इससे थोड़ा सा आगे हमने चलना है. ये जो हमने टॉर्क की बात की है, दिस टाइप ऑफ टॉर्क इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड टॉर्क. ठीक है, दो तरह के टॉर्क आपके पास होते हैं, वन इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड टॉर्क एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज लोड टॉर्क. ठीक है, बात समझ आ रही है आप लोगों को? टॉर्क इंड्यूस्ड, इसका एक और नाम भी है टॉर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. ठीक है, और इसके अगेंस्ट आपके पास दूसरी जो क्वांटिटीज है दैट इज कॉल्ड एज टॉर्क लोड और टॉर्क मैकेनिकल. ठीक है, अब आपके पास अगर कोई मोटर है, मोटर के आउटपुट पे आपने उसकी शाफ्ट पे जो लोड लगाया है, That load is called as torque load. ठीक है, और एक वो टॉर्क है जो आपका ड्यू टू टू करंट्स की वजह से प्रोड्यूस होना.
अब आपके दिमाग में क्या आता है कि एक मोटर है वो किसी स्पीड पे लेट से 100 आरपीएम पे रन कर रही है, रोटेट कर रही है, अगर आप उसका लोड टॉर्क बढ़ा दें व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द स्पीड? स्पीड बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्यों? अब यहां से आप जवाब देंगे कि अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन पी इज इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स टॉर्क, दिस इज पावर, मैकेनिकल पावर, दैट इज इन हॉर्स पावर, ठीक है? ये आपके पास ओमेगा, किसका ओमेगा है? ओमेगा ऑफ योर रोटर, रोटेशनल स्पीड, और ये आपके पास जो टॉर्क है दैट इज लोड, लोड टॉर्क। अगर आपके पास 500 वॉट की मोटर है एंड इट इज रनिंग एट 1000 आरपीएम, 500 वॉट से ज्यादा ये ड्रॉ नहीं कर रही, 500 वॉट फिक्स पे रन कर रही है अपनी फुल कैपेसिटी पे, अगर आप उस वक्त उसके ऊपर ज्यादा लोड डाल देंगे, ज्यादा टॉर्क डाल देंगे, तो क्या होगा? इट विल रिड्यूस द स्पीड। इज दैट ओके? ये उसकी स्पीड को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। तो यहां पे हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त एक हमारी बुक का नेक्स्ट आर्टिकल है, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मशीन, डीसी मोटर। आप लोग वो समझेंगे तो साथ ही आप लोगों को दूसरा आर्टिकल जो है वोल्टेज कंट्रोल ऑफ डीसी जनरेटर वो भी समझ आ जाएगा। साथ ही साथ हम लोगों ने देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मोटर्स, मैंने आपको कुछ बताई थी, शंट मोटर है, सीरीज मोटर है, कंपाउंड मोटर है, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर है, इन सारों की स्पीड और टॉर्क की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है? हमने वो देखनी है, लेकिन अभी तक हम यहीं पे पॉज करेंगे, तो आफ्टर द ब्रेक नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।